करते हैं बड़ी खबर का, और बड़ी खबर गया से निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गया से जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, दरिंदों ने मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गया में दुष्कर्म की घटना सामने आई है और दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर बिहार के गया जिले से, जहां हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया, मासूम के साथ पहले दुष्कर्म और फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां स्थिति यह है कि दुष्कर्म के बाद जो मासूम है उसकी हत्या कर दी है। और फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस के हत्थे मुख्य आरोपी जो है वो चढ़ गया है, यानी कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। पहले दुष्कर्म की घटना को पहले भी ये अंजाम दे चुका है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गया से फोन लाइन के जरिए मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या स्थिति है और किस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही? जी हाँ बिल्कुल अविनाश जी, मैं बता दूं कि यह मामला गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पंडितिया खड़ा मोहल्ले के है, जहाँ से जो बच्ची का हत्या हुआ है करीबन 1 बजे से घर से लापता था, जिसको लेकर के परिजनों काफी देर से खोजबीन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं पता चला था। लेकिन एक मोहल्ले के ही व्यक्ति थे कि जो आरोपी के साथ उसको देखा गया था, और उसके बावजूद जो भी वहाँ है आरोपी के घर पर जाकर लोग पूछताछ किए, पूछताछ करने के बाद में नहीं बताया तो लोग उनके साथ मारपीट किया गया। मारपीट के दौरान वो आरोपी है जो बताया कि हमने बच्ची को हत्या करके जंगल के झाड़ियों में फेंक दिया गया है, लेकिन वहां जाकर तो परिजन देखे तो सब मिला पड़ा हुआ था, और सब को अपने घर पर ला करके फिर किसी तरह से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस सूचना के मिलने के बाद में जो घटना स्थल पहुंच के मामले की छानबीन भी जुट गई, और जहां तक की बात है जो घायल व्यक्ति है जो आरोपी है उसको गया का पिलग्रिम अस्पताल में भेजा गया है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से स्थितियां हैं और जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मनोज, इन तस्वीरों में मतलब गांव में आक्रोश का माहौल भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मासूम के साथ पहले रेप और फिर हत्या, उसके बाद जो आरोपी है उसकी पिटाई भी कर दी गई है, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, मैं बिल्कुल बात जो भी है यहाँ पर जो आक्रोशित लोग थे वो काफी रात हो चुकी थी, रात के कारण कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन आज सुबह अगले सुबह ही गया और पटना मुख्य मार्ग को लोग जाम किए हुए हैं, जिसको लेकर के जो आरोपी है उसकी सजाए मौत के सजा का मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के दल बल के साथ वहाँ जो पुलिस प्रशासन है आला अधिकारी सब पहुँच चुके हैं, मामले को शांत में लगे हुए हैं। जहाँ तक की बात की जा रही है, उस जो बच्ची के जो माँ है उस साफ तौर पर यही कहा है कि जिस तरह से मेरी बेटी के साथ इस तरह को घिनौना हरकत किया है उसको सजा मौत की सजा दी जाए। जी हाँ बिल्कुल मनोज, आरोप ये है कि जिस आरोपी को फिलहाल पुलिस ने पकड़ा है उस पर पहले से भी दुष्कर्म का आरोप है। जी हाँ मैं बता दूं कि जहाँ तक की बात की जा रही है, जो पीड़िता जो बच्ची जो थी जिसकी मौत हुई है उसकी माँ ने बताया था कि करीब एक साल पहले भी किसी बच्ची के साथ अभ्यर्थ करके गया के फल्गु नदी के रेत में उसको गाड़ दिया गया था। जी हाँ बिल्कुल, तो ये स्थिति है फिलहाल। तमाम जानकारियों के लिए मनोज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी मनोज जो अधिक जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें, गया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है, और अब जैसा कि हमारे सहयोगी मनोज ने बताया कि आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और वहां पर हंगामा हो रहा है, आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है। आदमी को लोग मारपीट रहे हैं, जब थाना के साथ हम लोग गए तो देखे कुछ आदमी को मारपीट किया हुआ था और वो इंजर्ड अवस्था में कार्य पड़ा हुआ था। इसके तुरंत हम लोग एक ऑटो से पिलग्रिम हॉस्पिटल भेजवाए और फिर और आगे पूछताछ किए तो पता चला कि कोई एक लड़की 3.5 बरस के लगभग वो गायब हो गई थी 1 बजे के आसपास, और उसी का डेड बॉडी मिला हुआ है और लोगों को शक इसी व्यक्ति पर था जिसको उन्होंने मारपीट किया था। घटना हुई दोपहर में नहा जो कोई लड़की खेल रही थी और लड़कावा इनने से जा रहा था, एक माता डांट वो कह रहे यहाँ पर से कहा रहे चल भाग यहाँ पर से, ये घड़ी कैसे वो लड़कावा लेके उठा के चला गया सर हम लोग पता न चला। सुड्डू नाम है उसका, पिहानी रहता है। तो क्या किया कि बच्चे के साथ गलत किया? अब पा किया ले गया तो पता ना चला, अभी ना पता चला किया तो ले गया तो गलत है किस तब ना मर गई।